हम बहुत गरीब आदमी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारे नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ठेका देने से पहले हम उसको सिकुर गिनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बोली आप चुप थे तो आपको बोली लगानी है। इनको चुप तो कराओ, इनको चुप तो करा लो। ये अंबाला कैंट में लगभग 100 सुअर पालक आज सुअर पकड़ने के ठेके में बरती गई धांधली के विरोध में नगर परिषद अंबाला छावनी में इकट्ठे हुए और नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया। सुअर पालकों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा सुअर पकड़ने के लिए जो ठेका दिया गया है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे वे जनता के सामने लाना चाहते हैं। सुअर पालकों का कहना है कि डेयरी फार्मिंग की तरह उन्हें भी शहर के बाहर कहीं जगह दी जाए जहां पर वो सुअर पालन कर सके। जब तक उन्हें जगह नहीं दी जाती तब तक उनका चलान ना किया जाए। 200 व्यक्ति है जो सुअर फार्मिंग का काम करते हैं और सरकार सुअर फार्मिंग के लिए सब्सिडी भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है और लोन भी देती है। लेकिन इनके साथ क्या है, पिछली बार ठेका दिया था 2 महीने का 3.5 लाख रुपए सुअर पकड़ने का, इस बार ठेका दे दिया 6 महीने का 1,70,000 रुपए। हमारे को ठेके से कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम इनकी समस्या का ठेके से हल नहीं होगा। हमारी इनकी डिमांड है कि हमारे को सुअर पालने की, जैसे आपने डेयरी फार्मिंग के लिए जगह दे दी, ऐसे 200 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो है नहीं, 200 व्यक्ति अलग अलग जगह सुअर पाल के बैठे हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए सरकार जगह दे सकती है तो सुअर पालने के लिए भी जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये भी सब्सिडी वाला सिस्टम है। तो हमारी इनसे डिमांड है कि एक तो डेयरी फार्मिंग के लिए किसी स्थान, एक स्थान पर उपलब्ध करा दो, ताकि हम जैसे गायें एक जगह चली जाएगी, सुअर भी एक जगह चले जाए, सरकार में शहर में सफाई भी रहे और इनका रोजगार भी न जाए। दूसरा, उस स्थान में हमारे को बिजली पानी की व्यवस्था करवा दें। तीसरा, जब तक ये व्यवस्था ना हो तब तक ये मौजूदा ठेके को रद्द किया जाए, क्योंकि इस ठेके में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत नजर आ रही है, 2 महीने का 3.5 लाख। सुअर पालकों की बात सुनने के बाद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। सुअर पकड़ने का ठेका रद्द करने पर ईओ का कहना है कि उन्होंने ठेका देने में कोई धांधली नहीं की है, बल्कि नियमानुसार 3 बार अखबारों में ठेके की शर्तों को दिए जाने के बाद ही उन्होंने ठेका दिया है। उन्होंने कहा कि सुअर पालकों की यह मांग उचित नहीं है। लोगों ने एक तो किसी, जो हमने सुअर पकड़ने का ठेका छोड़ा है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ठेका किसी एक व्यक्ति को दे दिया गया है। इस बारे में तीसरी बार टेंडर इनवाइट, ये ऑक्शन इनवाइट की गई थी, ये लोग आते थे लेकिन बोली नहीं लगाते थे, जैसा कि मेरे CSI ने बताया। तो अब बोली छुट्टी है तो ये लोग उसके खिलाफ भी, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई टेंडर दोबारा किया जाए, तो इसके बारे में प्रशासक महोदय से डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर जैसा भी प्रशासन का निर्णय होगा तदनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।